हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य टीचर पर संस्कृत निबंध, हिंदी अनुवाद के सहित सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यदि आप इस तरह से इस टॉपिक को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको संस्कृत से रिलेटेड हर प्रकार के टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आचार्य संस्कृत निबंध। तो आज का हमारा टॉपिक है आचार्य देवो भव। आचार्य देवता होते हैं, टीचर देवता हैं। जीवने विद्याया सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। जीवन में विद्या का, पढ़ाई का सबसे अधिक महत्व है। अस्मिन कोऽपि संदेह अवसरः न अस्ति। न अस्ति मतलब नहीं है, इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं है। किंतु विद्याया करते आचार्यस्य आवश्यकता भवति। किंतु विद्या के लिए आचार्य की, टीचर्स की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है। आचार्य ए विद्या यच्छति। यच्छति मतलब देता है, आचार्य ही विद्या देता है, टीचर ही विद्या देता है। शिष्यान आचरणम शिक्षति। शिक्षति मतलब सिखाता है, शिष्यान शिष्यों को, आचरणम मतलब आचरण करना सिखाता है। जीवने प्रकाशः करोति और जीवन में प्रकाश करता है, उजाला करता है। अज्ञान रूपी तमम दूरी करोति और जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करता है। तमम का अर्थ होता है अंधकार, दूरी दूर, करोति करता है। वो टीचर ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अतः आचार्य बिना जीवनम साफल्याम नहीं बहुति। नहीं मतलब नहीं, जो हिंदी वाला नहीं होता वही। अतः आचार्य के बिना जीवन सफल नहीं होता। आचार्य सदैव सब शिष्याणाम हिताय एव चिंत्यति तथा हिताय एव कार्याणि करोति। आचार्य सदैव मतलब हमेशा, सदा के लिए, सब अपने शिष्याणाम शिष्यों के हिताय हित में चिंतति सोचता है, तथा हिताय एव कार्याणि करोति तथा हित के लिए ही कार्य करता है। कहने का भाव यह है कि आचार्य हमेशा अपने शिष्यों के हित में ही सोचता है तथा उनके हित में ही कार्य करता है। अतः आचार्य सदैव सम्मान योग्य भवति। इसलिए जो आचार्य है, टीचर है, सदा सम्मान के योग्य है। ज्ञानम बिना सुखम न मिलती। ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता तथा ज्ञानम गुरुम बिना न मिलती। तथा जो ज्ञान है वो गुरु के बिना नहीं मिलता। आचार्यस्य सम्मानम शिष्यानाम सर्वप्रथम कर्तव्यम अस्ति। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला। आचार्य गण का सम्मान करना या टीचर्स का सम्मान करना शिष्यों का सबसे पहला कर्तव्य है। यथा पितुः मातुः आज्ञा पालयति। जिस प्रकार माता का, पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, तयो सम्मानम करोति उनका सम्मान करते हैं। यथैव उसी प्रकार से आचार्यस्य सम्मानम कुर्वेत। आचार्य का सम्मान करना चाहिए। अधुना शिक्षायाः एतादृशी व्यवस्था तर्हि नहीं अस्ति। अधुना मतलब आज के समय में शिक्षा की व्यवस्था उस तरह से नहीं है। अधुना शिक्षा व्यवस्थाम परिवर्तनम आगतम। अभी जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया है, बदलाव आ गया है। किंतु अद्यपि शिक्षाया कृते आचार्यस्य महत्वम न्यूनतम न अस्ति। किंतु परंतु अद्यपि आज भी शिक्षाया कृते शिक्षा के लिए आचार्य का, टीचर का महत्व न्यूनम, न्यूनम मतलब कम, न अस्ति नहीं है। किंतु आज भी शिक्षा के लिए आचार्य का महत्व कम नहीं है। अद्यपि आज भी गुरुम बिना कोऽपि विद्या प्राप्तुम न शक्यते।
कोपी मतलब कोई भी, आज भी गुरु के बिना कोई भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, शक्यते मतलब कर सकता। अतः सदैव गुरुम देवत पूजनीय, इसलिए जो गुरु है वो सदैव देवता की तरह पूजनीय है। अतः जीवने आचार्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति, इसलिए जीवन में आचार्य का टीचर का सर्वाधिक महत्व है। एतत् छात्राणाम हिताय एव, इसलिए छात्रों के में ही यह कहा गया है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होते हैं, आचार्य देवता की तरह होते हैं, टीचर्स देवता हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा संस्कृत में निबंध आचार्य देवो भव। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।